नमस्कार बच्चों आशा करती हूँ आप अपने घरों में कुशल मंगल होंगे अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे होंगे और हर रोज पढ़ाई कर रहे होंगे मुझे उम्मीद है आप आज की अपनी वीडियो के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे तो चलिए आज हम कक्षा आठ की नागरिक शास्त्र की पुस्तक का पहला अध्याय करेंगे ये कोई आम अध्याय नहीं है ये वो है जिसने दी है हमारे लोकतंत्र को जान जिसने दी है हर भारतीय को अलग पहचान ये है हमारा भारतीय संविधान इस अध्याय में उन सिद्धांतों की चर्चा की गई है जिनसे उदारवादी संविधान का जन्म होता है बच्चों इस पाठ में जिन विचारों के बारे में बात की जा रही है उनसे परिचित कराने के लिए तीन छोटे छोटे चित्र कथापट भी दिए गए हैं इन चित्र कथापट से हम यह समझ सकते हैं कि यह मूलभूत सिद्धांत हमें किन चीजों से सुरक्षा प्रदान करते हैं इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से बात शुरू करेंगे आप में से ज्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में जरूर सुना होगा बहुतों ने तो खेला भी होगा जैसा कि बच्चों इसके नाम से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यह खेल पैरों से संबंधित है फुटबॉल का एक नियम है वो ये कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाह से नहीं छू सकता अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद को छू जाती है तो उसे फाउल या गलत माना जाता है कहने का यह मतलब है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी नियम तय किए गए हैं इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है इन खेलों की तरह हर समाज में भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं यहां नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है जिस जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है इस अध्याय में हम उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे यह बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अब हम पढ़ेंगे कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूचित करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रख सकते हैं यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं इसके जरिए वे ना केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ रखते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए उन्नीस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया केवल भारतीयों को लेकर बनने वाले एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया दिसंबर 1946 से नवंबर उन्नीस के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया बच्चों डेढ़ सौ साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था संविधान सभा के सदस्य ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया आपकी पुस्तक में दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं इन बातों का क्या मतलब है यह समझने के लिए हम बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करेंगे यह घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास की घटना है समाचार पत्रों के माध्यम से हमें बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान की मंजूरी दी है सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल में राजतंत्र था वहां राजा का शासन था 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे इसी संघर्ष के फलस्वरूप स्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने की कामयाबी मिल गई नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें भी आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वो लड़ रहे थे जिस तरह फुटबॉल के खेल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया बच्चों आपकी पुस्तक में नेपाल में हुए आंदोलनों का चित्र दिखाया गया है इस घटना को विस्तार से देखें तो नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 1200 साल तक कायम रही अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेन्द्र ने गांव में माओवादियों संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक बारह सूत्री समझौते पर दस्तखत किए इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैल बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी लोकतंत्र के लिए चल रहा यह आंदोलन 2006 तक पहुंच चुका था आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी छोटी बातों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना ही पड़ा राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय किया जाए नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में होगी जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है वहां निर्णय प्रक्रिया नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि यह नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है इसका एक उदाहरण आपकी पुस्तक में दी गई चित्रकथा पट में देखा जा सकता है जिसमें सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है वह दबंग किस्म का लड़का है उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाती है वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर जाती है सुरेश मौके का फायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है और कहता है आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूं तो अनिल कहता है लेकिन मैंने किया क्या है राव मैडम के आते ही सुरेश उन्हें बताता है कि जब वह कक्षा से बाहर गई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था उसने मेरी बात भी नहीं सुनी इस बात को सुनकर राव मैडम अनिल को कहती है आज तुम पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकोगे और सौ बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूंगा लेकिन अनिल कहता है मैडम मैंने तो कुछ भी नहीं किया तो बच्चों हमें इस बात से यह पता चलता है कि सुरेश अपनी जिम्मेदारियों का दुरुपयोग कर रहा था अब इस चित्र कथापट के आधार पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं आप मुझे ये बताइए मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है हमें देखकर पता चलता है कि मॉनिटर एक दबंग किस्म का लड़का है वह अपनी शिक्षिका की अनुपस्थिति में एक बेकसूर साथी को तंग करता है तथा शिक्षिका के लौटने पर उसकी झूठी शिकायत भी करता है और उसे सजा भी दिलवाता है लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करें। आपकी पुस्तक में एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें कक्षा के भीतर एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है चित्र के ऊपर आते हैं बच्चों कक्षा में खेलों की घंटी शुरू होने वाली है लड़के और लड़कियां दिखाई दे रहे हैं इसमें कुछ लड़के बोलते हैं आज हम क्रिकेट ही खेलेंगे तो उसमें लड़कियां बोलती हैं आज हम कुछ अलग खेलते हैं बास्केटबॉल शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं इसमें लड़के जीत जाते हैं क्योंकि लड़कों की संख्या कक्षा में ज्यादा होती है तो इस पर लड़कियां बोलती हैं हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज्यादा है मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए था ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान हो सकता है जैसे कि चित्र से पता चलता है बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है जिसे अंतर समुदायिक वर्चस्व कहते हैं या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं जिसे अंत समुदायिक वर्चस्व कहते हैं अच्छा अब इस चित्र की बात करते हैं आप मुझे बताइए कौन से लोग अब इस चित्र के हिसाब से कौन से लोग अल्पसंख्यक हैं बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसलों में यह अल्पसंख्यक गुट किस तरह दबाए जा रहे हैं इस चित्र से हमें पता चलता है कि लड़कियां अल्पसंख्यक हैं। लड़के क्रिकेट खेलना चाहते हैं जबकि लड़कियां बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं लड़कों की संख्या अधिक होने के कारण फैसला उनके पक्ष में जाता है इस प्रकार बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसले से अल्पसंख्यक गुट को दबाया जा रहा है संविधान क्यों होना चाहिए इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सके अजीब लगती है से सोचने लगते हैं ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचने में मदद करता है इसे समझने के लिए आपकी पुस्तक में एक चित्र पट को दर्शाया गया है जिसमें एक शबनम नाम की लड़की है शबनम दुविधा में है उसे कुछ तय करना है शबनम सोचती है कल की परीक्षा के लिए मुझे दो अध्याय पढ़ने हैं लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती पर अगर मैं ऐसा करती हूं तो मैं यह दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊंगी उसके माता पिता बोलते हैं शबनम तुम परेशान लग रही हो क्या बात है तो शबनम कहती है मुझे ये टीवी कार्यक्रम देखना है लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन जरूर करेगा मुझे एक बात सूझ रही है अगर आज की रात कोई भी टीवी ना देखे तब शायद मेरा भी मन नहीं ललचाएगा। अगले दिन शबनम परीक्षा में बैठी होती है और सोचती है अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविजन नहीं देखा और आखिरी दो अध्यायों में से इतने सारे सवाल आए हैं अब इस कथा पट में हमें क्या पता चलता है शबनम इस बात पर क्यों खुश हो रही है कि उसने टीवी नहीं देखा ऐसी स्थिति में आप क्या करते शबनम ने टीवी ना देखकर परीक्षा के लिए दो अध्याय तैयार कर लिए इन अध्यायों में से बहुत से प्रश्न आए और शबनम ने उन प्रश्नों का उत्तर ठीक लिखा शायद मैं भी यही करती अगर मैं शबनम की जगह होती और आप भी यही करेंगे अगर आप शबनम की जगह होंगे संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति या पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है इसलिए अब चीजों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन होना चाहिए इस भावना में बहकर लोग बहुदा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा बच्चों एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान और उसके मुख्य लक्षण स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जिन नियमों को मानना पड़ता था वह उन्होंने खुद नहीं बनाए थे उनका मानना था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाए और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या थे यह काम किसी एक आदमी के बस के नहीं थे इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी भावी संविधान को एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे आपकी पुस्तक में एक चित्र दर्शाया गया है जिसके मध्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती क्योंकि इन कानूनों का संचालन स्वर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हों बच्चों अब हम संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख करेंगे संघवाद भारतीय शासन प्रणाली में संघवाद प्रणाली को अपनाया गया है संघवाद की आवश्यकता देश की परिस्थितियों व जनसंख्या वृद्धि के कारण है केंद्र के भार को कम करने के लिए राज्यों को भी शक्तियां दे दी गई संघात्मक का अर्थ है कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र व राज्यों में निश्चित अनुपात में किया जाएगा जब सारी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, वह व्यवस्था एकात्मक प्रणाली कहलाती है लेकिन जब शक्तियां केंद्र व राज्यों में बट जाती हैं, तो यह प्रणाली संघवाद कहलाती है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था और इसके साथ संघवाद प्रणाली के रूप को अपनाया गया भारत में अमेरिका की संघात्मक प्रणाली से भिन्न प्रणाली अपनाई गई है भारत ने संसदीय शासन प्रणाली के साथ अध्यक्षात्मक प्रणाली को भी अपनाया है भारतीय संघात्मक प्रणाली कनेडा की संघात्मक प्रणाली, तो, प्रणाली पर आधारित है भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से संघात्मक प्रणाली का वर्णन नहीं किया है अपितु भारत के संविधान के अनुच्छेद एक में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है भारत संघ की इकाइयों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है भारतीय संविधान का निर्माण करते समय इस बात पर ध्यान दिया गया कि भारत एक विविधता वाला देश है इसलिए यहां पर संघात्मक व्यवस्था परिस्थितियों के अनुसार सही रहेगी भारत में विभिन्न लिंग धर्म जाति वंश के व्यक्ति निवास करते हैं इसलिए यहां पर संघात्मक व्यवस्था सटीक होगी लेकिन फिर भी आलोचकों के माध्यम से भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक व्यवस्था जॉन ऑस्टिन द्वारा कहा गया है भारतीय संघात्मक व्यवस्था के पक्ष में दो तर्क दिए जाते हैं पहला भारत की सीमा रेखा विस्तृत होने के कारण देश की एकता व अखंडता के लिए संघात्मक व्यवस्था आवश्यक है दूसरा भारत में विभिन्न प्रकार के समूहों की व्यवस्था पाई जाती है इसलिए संघात्मक व्यवस्था आवश्यक है संसदीय शासन पद्धति सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं भारत का संविधान अपने सभी व्यसक नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को व्यसक मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच में तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि जाति वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकेगा सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होगी इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो यह प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह हो सकते हैं शक्तियों का बंटवारा संविधान के अनुसार सरकार के तीन अंग हैं विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम करता है न्यायालय की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार कानून की नजर में सभी लोग समान हैं इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा खेल के मैदान होटल दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसमें छुआछूत का भी उन्मूलन कर दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने और कोई भी व्यवसाय पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार जबरिया श्रम चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो इस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है उन्नीस में संविधान के बयालीसवें संशोधन के साथ ही एक नया शब्द हमारे संविधान में जुड़ा जिसका नाम था धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्ष राज्य वो राज्य होते हैं जिनमें अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं दिया जाता बच्चों आपकी पुस्तक में दिए गए चित्र में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं क्रम में लोग दिखाई दे रहे हैं श्री जयराम दास दौलतराम खाद्य एवं कृषि मंत्री राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई वित्त मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री खड़े हैं चलिए अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आप उनके जवाब देंगे मेरा पहला प्रश्न है मूलभूत शब्द से आप क्या समझते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन के आधार पर मूलभूत नियम का एक उदाहरण दें इसका उत्तर है मूलभूत शब्द का अभिप्राय है मौलिक या आवश्यक उदाहरण यदि हम कोई खेल खेलना चाहते हैं तो हमें उस खेल की मूलभूत नियम जानने होंगे मेरा दूसरा सवाल है नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी नेपाल के लोग नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे इसलिए वह नया संविधान चाहते थे मेरा तीसरा प्रश्न है राज्य और सरकार के बीच क्या फर्क होता है इसका उत्तर है राज्य एक ऐसी संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जैसे भारत राज्य चीन राज्य सरकार सरकार कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है सरकार को चुनाव के द्वारा बदला जा सकता है अच्छा अब मैं कुछ परिस्थितियां दूंगी आप मुझे बताएंगे कि इनमें हमारे कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है पहली परिस्थिति यदि तेरह साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है जी हां यह शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो रहा है दूसरा यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है जी हां यह स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तीसरी परिस्थिति यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है जी हां यहां सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है चौथी परिस्थिति यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं देती क्योंकि वह अधिकारी एक महिला है जी हां यहां समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं संविधान में मूल कर्तव्य का भी उल्लेख किया गया है ऐसे कौन से कर्तव्य हैं जो लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा इन कर्तव्यों का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है हमारे मूल कर्तव्य हैं संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना दूसरा भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को कायम रखना तथा रक्षा करना तीसरा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक विचारों को संजोए रखना और पालन करना चौथा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना पांचवा वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा ऑप्शन है जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर करता है दूसरा जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है और तीसरा जब वह थाने में फोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसकी किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ एफ दर्ज ना की जाए यहां दो परिस्थितियों में मंत्री अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं पहला जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है और दूसरा जब वह थाने में फोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ एफ दर्ज ना की जाए अगला सवाल किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है संविधान की जरूरत के कारण यह उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश की अपनी अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं यह ऐसे नियम निश्चित करता है जिसके द्वारा शासकों के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है और आखिरी संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का प्रयोग न करें अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश ना होता तो क्या होता इसका उत्तर है अगर शक्ति पर कोई अंकुश नहीं होता तो निर्वाचित प्रतिनिधि शक्तियों का दुरुपयोग करते तथा अपनी मनमानी करते हुए किसी को भी डराने धमकाने और दबाने की कोशिश करते और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करते हुए अपने निर्णय जनता पर जबरदस्ती थोपते जिस कारण से नागरिक अपने अधिकारों का स्वतंत्रता से उपयोग नहीं कर पाते चलिए अब आप मुझे बताइए निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है इसका एक कारण भी आपको बताना है पहली परिस्थिति एक स्कूल में तीस शिक्षक हैं और उनमें से बीस पुरुष हैं। इस परिस्थिति में महिलाएं अल्पसंख्यक हैं महिलाओं के विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वह भी पुरुषों के बराबर योग्यता रखती हैं एवं स्कूल में पुरुषों के बराबर ही भूमिका निभाती हैं दूसरी परिस्थिति एक शहर में पांच परसेंट लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं बौद्ध धर्म अल्पसंख्यक है उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया गया है इसलिए प्रत्येक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास करने का अधिकार है तीसरी परिस्थिति एक कारखाने के भोजनालय में 80 प्रतिशत कर्मचारी शाकाहारी हैं। इस परिस्थिति में मांसाहारी अल्पसंख्यक हैं। उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद चुनने का अधिकार है और अब चौथी परिस्थिति 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं गरीब परिवारों के विद्यार्थी यहाँ अल्पसंख्यक हैं उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर दिए जाने चाहिए ताकि प्रतिभा का विकास हो सके इस अध्याय में कुछ जरूरी शब्दों का प्रयोग किया गया है चलिए अब उनकी परिभाषा जानते हैं सबसे पहला संघवाद में तीन स्तर की सरकार होती है तथा तीनों स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं अब है शक्तियों का बंटवारा सरकार के तीन अंगों विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि कोई अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निर्गुण इस्तेमाल से बचाने के लिए दिए गए हैं संसदीय शासन पद्धति देश के सभी व्यसक नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है अब उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसी देशों से लगती हैं जैसे कि बांग्लादेश बांग्लादेश की सीमा के साथ लगने वाले भारत के राज्य पश्चिम बंगाल मेघालय असम त्रिपुरा और मिजोरम है दूसरा देश है नेपाल नेपाल की सीमा के साथ लगने वाले भारत के राज्य उत्तर प्रदेश सिक्किम उत्तराखंड बिहार तथा पश्चिम बंगाल हैं अब बात करते हैं भूटान की भूटान की सीमा के साथ लगने वाले भारत के राज्य हैं सिक्किम अरुणाचल प्रदेश असम तथा पश्चिम बंगाल अब कुछ और शब्दार्थों के बारे में बात करते हैं जैसे मनमानापन जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसलों या पसंद नापसंद से चलने लगता है तो उसे मनमानापन कहते हैं जहां नियम तय नहीं किए गए हों या जहां फैसलों का कोई अधिकार नहीं हो उसे भी मनमानापन कहा जा सकता है आदर्श जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 18वीं सदी में हुआ इस आंदोलन में हजारों भारतीयों ने ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट होकर आंदोलन किया तथा उन्नीस में भारत को आजादी दिलवाई राज्य व्यवस्था इसका आशय एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है संप्रभु इस अध्याय के संदर्भ में स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा गया है मानव व्यापार राष्ट्रीय सीमाओं के आरपार विभिन्न चीजों की गैर कानूनी खरीद बिक्री को अवैध व्यापार कहा जाता है अध्याय में जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है उनके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब है औरतों और बच्चों की गैर कानूनी खरीद फिरोख इसको मानव व्यापार भी कहा जाता है निरंकुशता इसका मतलब सत्ता अधिकारों के क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से है आशा करती हूं आज के अध्याय से आपने अपने देश के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा एक नई वीडियो के साथ हम जल्द ही वापस आएंगे तब तक, तक के लिए स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए तथा पढ़ते रहिए नमस्कार